PSL 8 2023 की लाहौर कलंदर की किट पर शाहिद खान आफरीदी का पुरमजाह तबसरा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक मायनाज ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी ने लाहौर कलंदर की नई किट पर दिलचस्प तबसरा किया है। एक इंटरव्यू के दौरान व्यूअर जब पता चला कि लाहौर कलंदर की किट शाहीन शाह आफरीदी ने डिज़ाइन की है तो इस पर शाहिद खान आफरीदी ने क्या कहा। शाहिद खान आफरीदी ने बेसाख्ता कहा कि शाहीन शाह ने तो अपने निकाह का सूट तक नहीं डिज़ाइन किया और शर्ट डिज़ाइन करवा ली। लाहौर कलंदर की किट की ख़ास बात यह है कि इस पर पूरी लाहौर का नक्शा बना हुआ है जो इस किट की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा करता है। किट की रोनमाई से कबल लाहौर कलंदर की CEO आतिफ राणा ने ऐलान किया था कि शाहीन आफरीदी हमारे कप्तान है, नई किट भी वही डिज़ाइन कर रहे हैं। लाहौर कलंदर की CEO आतिफ राणा ने बताया कि शाहीन शाह आफरीदी हमारे कप्तान है और नई किट जो है उसी ने डिज़ाइन किया है। जैसे ही वो विकेट गिराते हैं उनका किट डिज़ाइन भी सबके होश उड़ा देगा। दूसरी जानब लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद ने कह दिया है कि देखना है कि मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट ज़्यादा मिलती है या लाहौर कलंदर्स को। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आकिब जावेद ने कहा कि मुल्तान के लोग अपनी टीम को सपोर्ट करने आएंगे, देखना है कि वो किसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुल्तान सुल्तान को या लाहौर कलंदर्स को। अपनी टीम स्ट्रेंथ पर बात करते हुए आकिब जावेद ने कहा कि लाहौर कलंदर्स की ताकत उसकी बॉलिंग है। डायरेक्टर क्रिकेट लाहौर कलंदर का कहना था कि पिच अभी रेडी नहीं हुई, दो दिन बाद पिच की हालत मुख्तलिफ होगी। आकिब जावेद ने मज़ीद कहा कि इस बार नए बॉलर और कीपर्स भी हम ला रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स बहुत सारे गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। गैर मुल्की खिलाड़ियों में टॉम कॉलर कैडमोर भी कराची पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ कराची किंग्स में शामिल एंड्रयू टाई ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है। कराची किंग्स और पेशावर जलमी के दोनों बैन अल-अक़वामी खिलाड़ी एक ही फ्लाइट से कराची पहुंच चुके हैं। मजीद गैर मुल्की खिलाड़ियों में कराची किंग्स के बैटिंग कोच रोवी बुफारा, ऑलराउंडर बेन कटिंग, जबकि क्वेटा के मार्टन गेप्टल भी कराची पहुंच चुके हैं। क्वेटा ग्लेडिएटर में शामिल नवान तसारा भी कराची पहुंच चुके हैं, जबकि लाहौर कलंदर के गैर मुल्की प्लेयर कल से मुल्तान पहुँचना शुरू हो जाएंगे। क्वेटा ग्लेडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद ने भी कहा है कि वह टाइटल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। क्वेटा ग्लेडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद का कहना था कि टीम के पास अच्छे स्पिनर्स है, हसारंगा और नवाज के आने से स्पेन बॉलिंग का शोबा मजबूत हुआ है, हसनैन नसीम शाह और डेन स्मिथ भी अच्छे बॉलर्स है। सरफराज ने मजीद कहा कि वेल्समेड, मार्टन गेप्टल, जेसन रॉय जैसे पावर हिटर जो है इसकी मौजूदगी में हम टाइटल को जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 8वीं एडिशन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। लीग का इब्तिदाई मैच 13 फरवरी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे को मुल्तान सुल्तान और दिपाही चैंपियंस लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जा रहा है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द लाइव स्ट्रीमिंग के साथ।